अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कौमी टीम के फास्ट बॉलर वकास मकसूद ने डेब्यू मैच पर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच के दौरान पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर वकास मकसूद ने अपना T20 डेब्यू किया, जबकि शहीन शाफरीदी की जगह उस्मान खान शनवारी को खिलाया गया। दोस्तों, वकास मकसूद ने अपना T20 डेब्यू मैच सारगिला वाले दिन खेला। दोस्तों, वो 4 नवंबर 1987 को फैसलाबाद में पैदा हुए थे। दोस्तों, वो अपनी 31वीं सालगिरह मना रहे थे। दोस्तों, वो T20 क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सालगिरह वाले दिन डेब्यू किया। वकास मकसूद ने डेब्यू मैच खेलने से पहले T20 में लंबा इंतज़ार किया था और 2011 में T20 में फैसलाबाद वुल्व्स की तरफ से डेब्यू किया। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हें पिक किया, लेकिन कोई मैच ना खेल सके। दोस्तों, जबकि पाकिस्तान T20 कप 2018 में 14 विकटें हासिल करके सबसे ज़्यादा विकटें हासिल करने वाले बॉलर बने। दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को 47 रन से शिकस्त देकर वाइट वॉश किया है। दोस्तों, हमें कमेंट में अपनी राय दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।